गई मैं। किधर? वाह जी क्या, चलो 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 वहां तक बनाऊंगा। उर्वी भूस चलो। बर्फ का पानी है जो पिघल के आ रहा है, ठीक है ठीक है, जगह से आ रहा होगा। बाकी ये यहाँ पर है जुगाड़ अपना ऊपर जाने का, चलो मैं दिखाता हूँ। लेट्स गो। जब तक है जा, जब तक है जा, आ चुकी, जब तक है जा, हट रही है मेरी ना। यहाँ फैमिली वाला इंसान नहीं चढ़ सकता, कृपया करके मेरी इस बात को गौर करें भाई। हाथ ना मेरे हाथ केकड़े बन गए भाई, ऐसे सुन्न हो गए हैं, ऑक्सीजन कम है, बल्कि यहाँ पर बहुत बहुत कम है, खाना पड़ रहा हुआ। वहाँ पर कुछ लोग नहा रहे हैं, उन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है, दिखाऊंगा नहीं। तो कुछ लोग पिछवाड़ा भी धो रहे हैं। वो भी नहीं दिखाऊंगा। इतना ठंडा पानी है और यहाँ पर बता दूं कौन नहा सकता है। नहीं भाई नहीं बोल रहा। टी शर्ट गर्मी, दुनिया देख रही है, गर्मी देखने वाली चीज है। लेने यार शॉर्ट यार, एक तो फिर आगे चलते हैं आगे और। हाँ क्या हो गया, जगह नहीं है भाई यहाँ पर, इनकी फट रही है उतरने में, फिर भी उतर रहे हैं। और मेरा साथी कहाँ गया? झरने का पानी है, दिखा दो। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो, यहाँ उड़ के आ रही है, बहुत ही ठंडा यहाँ पर। और ये फवारे फवारे पड़ रहे, फवारे इधर फवारा ही बन गया भाई पूरा। और यहाँ से हम जाने वाले हैं, हम क्योंकि हमारे साथ जो बंदा है वो नीचे नहीं दिखाना। गां बहुत ही मजा आ रहा है, ये झरना देखोगे और कुछ अनुमान लगाओगे अपने हिसाब से, ठीक है। अरे आराम से भाई, इसने चप्पल पहन रखी है। अरे फिर दिखाओ तो। कंट्रोल भैया, कभी डांस यही निकल जाए। चले चले चलो नीचे चलते हैं। मैं नीचे जा रहा हूँ और वीडियो नहीं बनाऊंगा बिल्कुल भी, ठीक है। चलो नीचे मिलते हैं, नीचे मस्त शॉट आने वाला भाई। एक बात बताओ, कभी भी आओ ना तो इस प्लेस में, तो अपनी बंदी बंदी मतलब बंदी मतलब गर्लफ्रेंड वगैरह या अपनी वाइफ वगैरह किसी को भी लेकर बहुत मजा आता होगा। तो क्या कहना चाहते हो? बिल्कुल ना लेके आए। क्यों भाई, बड़ी मुश्किल से तो शादी होती है। क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हुआ, हल्का सा भी पैर वैर फिसला या फोटो खिंचाने के चक्कर में, बस नाम तुम्हारा ही आएगा, केस लग जाएगा एक आधा। और नॉर्मली रहो भाई, ये बात सही है भाई, शादी एक बार होती है, बार 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 नहीं होती। बिल्कुल अगर लेके आ रहे हो तो उसे बोलते कि भाई एग्रीमेंट साइन कर ले कि तू अगर मान लिया है। ये अब मैं जा रहा हूँ, फोन इसके पास है, ठीक है। बात
पर अभी भी धूप है पहाड़ों पर, बाकी यहाँ थोड़ी सी ठंड बढ़ी है। यहाँ आ चुके हैं, ये नदी पार करके आज की रात हम यही रुकने वाले हैं। फर्स्ट डे का यही था और कल देखते हैं क्या क्या करते हैं, तो सेकंड डे देखते हैं क्या कर सकते हैं। ओके, गुड नाइट। मॉर्निंग गाइस, आज का सेकंड डे है और बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर। टेम्परेचर यहाँ चारों तरफ पहाड़ों पे बर्फ ही बर्फ है। तो गाइस आज कुछ अलग होगा, वो डिफरेंट होगा बहुत ज़्यादा। आज मज़ा भी बहुत आने वाला है और यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है। मैं चला थोड़ी सी धूप सेकने, जो कि सड़क पर आ चुकी है जहाँ वो मैन खड़े हैं। हाँ, ये पहाड़ों की चढ़ाई पर यहाँ धूप खुली रहेगी, बेहतर क्लियर है। वो आदमी देख रहा है मुझे क्योंकि मैं शूट कर रहा हूँ। हम आ गए थोड़ा धूप में, बहुत ही मस्त नज़ारा है। खवागलिंग है जहाँ मैं हूँ, ये शिशु वहीं आता है, सो ही रहे हैं। मेरी आंखें थोड़ी जल्दी खुल जाती हैं, खुल जाती है और नींद भी पूरी हो चुकी है। कल मेरी आंखें पूरी रेड रेड थी, अभी एकदम सफ़ेद हो रखी है दूध की तरह। अभी मैं थोड़ा यहाँ पर धूप ऊप ले लूँ, थोड़ा गर्म हो जाऊँ, फिर उसके बाद जाके नहाता हूँ क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है ना। यहाँ के मैं आपको फूल दिखाता हूँ, जिसे हमारे वहाँ पर क्या बोलते हैं, शायद पक्का नहीं पता मेरे को, सूरजमुखी। यहाँ के मैं वो आपको दिखाता हूँ फूल। बैठ के मैं ठंड के मारा, बहुत ही जबरदस्त नजारा है। बोले नाचेंगे गाएंगे ऐसे करेंगे और क्या। मौसम खराब हो रहा भाई अब यहाँ का,
काले बादल आ रहे हैं। नहा लिया मैंने और ब्रेकफास्ट भी हो गया है। अभी हमें मनाली जाना पड़ेगा, यहाँ से 35 किलोमीटर है नीचे की साइड और 35 किलोमीटर ऊपर है सिसु में। चलो मिलते हैं। तो नजारे लेते हुए पैदल पैदल के थोड़ा नजारे लेते हुए पैदल कैसे चलते हैं कि पैदल पहाड़ों पे कैसे चलते हैं। और ये पूरी खड़ी चढ़ाई है और हम चल रहे हैं। ब्यूटी सिसु की जो येलो पत्तों वाले पेड़ हैं, इस टाइम की ब्यूटी है। यहाँ की ब्यूटी है इस टाइम की है येलो पेड़ और बर्फ की चादर पहाड़ों के ऊपर। और यहाँ पर कब तक बर्फ गिरती है सिसु में? आप तो कभी भी गिर सकती है। अच्छा अच्छा, चांसेस है मतलब। सुबह भी शायद जीरो हो गया था यहाँ का। हो गया था? हाँ, टेम्परेचर एकदम से आ गया था जीरो भाई। अभी और भी कम हो जाएगा शायद। एक वो भी तो है यहाँ पर, खवांगली ऐसी कुछ जगह का नाम है, खवांगली। जी खवांगली तो -4 दिखा रहा था सुबह का। सिसु को बोलते हैं। अच्छा, टर्नल है ना ये? टर्नल है ना? टर्नल है। ये कितने किलोमीटर का होगा? 2 किलोमीटर का। 2 किलोमीटर 8 पॉइंट कुछ है। अच्छा, 9 किलोमीटर है। मनाली तो आ गया हूँ मगर पूछो मत, बस पड़ गया हूँ बहुत गंदे वाला। अभी कोई नहीं, अभी ठीक हो गया। अब जा रहे हैं थोड़ा मार्केट की साइड। कौन सा है? माल रोड मनाली का। चाय पी रहे हैं, पहले चाय पीते हैं। माल रोड की साइड हमें करना है थोड़ा बहुत शॉपिंग, ऐसा मत सोचो। शॉपिंग वैसी वाली नहीं, अपने शूट की शॉप है। शूट की शॉपिंग और थोड़ा जानवर से इंसान भी बनना है। इंसान भी बनना है हमें। बाकी यहाँ पर अभी हम ढूंढ रहे हैं मेडिकल, क्योंकि हमारे भाई साहब की तबीयत खराब है, लाली चली गई चेहरे की सारी। नेटवर्क नहीं है तो हमें यहाँ पर जियो की सिम लेनी पड़ेगी। अभी स्कूटी ले ली है यहाँ से रेंट पे, मनाली आना पड़ा है हमें रेंट के लिए। और मेंटोर इंसान लग रहा है, थोड़ी बहुत लाली आ गई। माल रोड ही है ये पूरा यहाँ से, और क्राउड ही क्राउड रहेगा यहाँ हमेशा। यहाँ गाड़ी ले जाने पे 5,000 रुपया का चलान है। जो भी अमीर आदमी है वो चलान करवा सकता है यहाँ पर आके, इस रोड पे, माल रोड पे। चलो, स्कूटी ले ली है, शॉपिंग भी हो चुकी है। अब हम दोनों निकल चुके हैं सिसु के लिए और हमें रास्ते में कुछ देखने को मिला है। क्या देखने को मिला है? दिखाओ ना सबको। दिखाऊं क्या?
में आग लगा दी है और ये भी नहीं पता कि आग कहाँ लगी है, कहीं और ना लगी हो। किलोमीटर का ऐसा हमारा मानना है, हमारा मानना भी है 9 किलोमीटर का। ये फाइनली हमने पार कर लिया 9 किलोमीटर का टर्नल। जवान लड़खड़ा रही है ठंड के मारा, और कितना लड़खड़ा जाए। अब हम लोग निकलते हैं और यहाँ पर बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, आप देख ही रहे हो, और बहुत ही लंबा है ये 9 किलोमीटर का। जैसे होता नहीं है बिल में, जमीन में वो घुस जाता है चूहा, वैसी ये है, बिल में से निकल के आ रहे हैं हम। चलो मिलते हैं, दूर तक पहुँचते हैं, फिर उसके बाद भारत माता की जय।